गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेसन 11 सूक्त शतकम पढ़ाएंगे। सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुखम आपतितम, अगर सुख प्राप्त होता है तो उसका भी अनुभव करना चाहिए, सेव्यम सेवा करनी चाहिए, सेवन करना चाहिए। और दुखम आपतितम तथा उसी तरह अगर दुख आ जाए तो उसे भी हमें सेवन करना चाहिए। चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, दुख और सुख चक्रवत पहिया की तरह से, चक्र की तरह से बदलते रहते हैं। जैसे पहिया का ऊपरी हिस्सा पहले ऊपर है, फिर नीचे आएगा, जब चलेगी तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसलिए सुख और दुख को हमें समान रूप से अनुभव करना चाहिए। दूसरा है माता शत्रु है और पिता वैरी है। ये न बालो न पाठिता, जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। माता शत्रु है, शत्रु और वैरी में फ़र्क क्या है? शत्रु सामने से आता है, वार करता है, और वैरी अंदर खाने दुश्मनी रखता है, मौका आने पर वार करता है। तो माता तो सीधे शत्रु हो गई, और पिता जो है वैरी हो गया, जो तो आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचता, आपको नुकसान होने के बारे बाद भी बात करेगा, जिसने बच्चे को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य, सभा के मध्य में वह बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं पढ़ा हुआ है, शोभा नहीं पाता। यथा जैसे हंस के मध्य में बगला। तीसरा श्लोक देखिए, दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुष्ट व्यक्ति को हमेशा छोड़ देना चाहिए, चाहे वह जितना पढ़ा लिखा हो। विद्या अलंकृतोपि सन्, भले ही वह पढ़ा लिखा है। क्यों? मणिना भूषितः सर्पः, मणि से भूषित सर्प, जिस सांप में मणि है, कि मसौ न भयंकर, कि वह भयंकर नहीं होता। इसलिए दुष्ट व्यक्ति को हमेशा छोड़ देना चाहिए। आप तीसरे पे आ जाइए, दानम भोगो नाशस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। पहले पे आ जाइए, वित्तस्य, वित्त की तीसरा तीन गतियाँ भवन्ति होती हैं, दान भोग नाश। जो यानी जो न देता है, न खुद उपभोग करता है, उसकी तीसरी गति होती है। तीसरी गति क्या है? नाश। चौथे श्लोक पे आइए, यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर न च बांधवाः। जिस देश में सप्तमी विभक्ति न सम्मान है, न व्यवसाय, वृत्ति माने व्यवसाय है, और न बंधुआ बांधवा, अपने अपने लोग हैं, बंधु हैं अपने, न च विद्या समागम, और न विद्या का कोई समागम है, विद्या माने अध्ययन का कोई स्कोप है, क्षेत्र है। तम देशम कश्चित, तम कश्चित देशम, उस किसी भी देश को परिवर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। और जल बिंदु निपातेन, जल का एक एक बिंदु गिरने से क्रमशः घड़ा पूरा हो जाता है। सहेतु सर्वविद्यानाम, वह सभी विद्याओं का हेतु माने कारण है। धर्मस्य धनस्य च, धर्म और धन का भी वह कारण है। तो ये श्लोक है जिसका मैंने अर्थ आपको अलग के वीडियो में दे रखा है, उससे अच्छी तरह समझ लेना। अब सब संग्रह पे आ जाइए, इसमें बहुत कई शब्द ऐसे हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए, उनकी मीनिंग लिखिए, उनको समझिए, आगे चल करके आपको काम आएंगे। इसलिए इन शब्दों को कॉपी में लिख करके, अर्थ लिख करके याद करिए।
अब पढ़ें और समझें में संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद मैंने आपको अलग से करा रखा है, आप देख लीजिए, फिर भी बता दे रहा हूँ। सु प्लस उक्ति दीर्घ संधि है ये, छोटा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ी बड़ा ऊ हो गया। अब ये सूक्ति बालोना बालहन्ना ये है, बालोना ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये, इसलिए इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि दीर्घ संधि है, ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि है, सूक्ति सूक्ति जो है ये दीर्घ संधि आती है, दीर्घ संधि आती है, और बालो न विसर्ग संधि है ये, और नासह तिस्रा ये भी विसर्ग संधि है, गतयो भवन्ति गतयः भवन्ति विसर्ग संधि, यो न यह न विसर्ग संधि, गतिर भवति ये भी विसर्ग संधि है। अब अभ्यास पे आ जाइए, कानि चक्रवत परिवर्तन्ते, कहते हैं सुखानि च दुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते। अब देखिए आपकी वीडियो में है ये, सुखानि च दुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते, विद्या अलंकृतः कान परिहर्तव्या, विद्या अलंकृतः आगे लिखा है दुर्जनः परिहर्तव्यः, सभा मध्ये कः न शोभते, सभा मध्ये अशिक्षितः न शोभते, घटः केन पूरिते, घटः क्रमशः जलबिंदु निपातेन पूरिते, मणिना भूषिता सर्पः कीदृशः भवति, मणिना भूषिता सर्पः भयंकरः भवति, कॉपी में देख नोट में देखिएगा। अब इसमें जो प्रश्न नंबर दो सही उत्तर को टिक करें तो सुखानि दुखानि च सुखानि च कथम परिवर्तन्ते चक्रवत परिवर्तन्ते, ये बालः न पाठितः सः पिता कीदृशः वैरी, कः परिहर्तव्यः दुर्जनः, कस्य वित्तस्य कति गतयः भवति तिस्रः गतयः भवन्ति, जलबिन्दु निपातेन कः पूर्यते घटः पूर्यते। प्रश्न नंबर तीन पे आइए, संधि विच्छेद पर, विद्यागमः विद्या प्लस आगमः, आप इसमें प्रश्न नंबर दो पर देखिएगा वीडियो के, विद्या प्लस आगमः विद्यागमः दीर्घ संधि, किम असौ तो किम प्लस असौ, किम असौ अनुस्वार संधि है ये, यहाँ आपने आपको भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे। कश्चित कह प्लस चित कश्चित विसर्ग संधि, सु प्लस उक्ति ही सूक्ति ही दीर्घ संधि, बालो न विसर्ग संधि, बालह न बालो न गतिर्भवति गति ही भवति गतिर्भवति विसर्ग संधि। निम्नलिखित का भाव लिखिए, दानम भोगो नाश्वस दानम भोगो नाश्वस त्रिसो गतयः भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, दान भोग नाश ये तीन गतियाँ होती, तीसरा गतयः तीन गतियाँ होती हैं धन की, जिसने न दान किया न उसका उपभोग किया उसकी तीसरी गति होती है यानी विनाश होता है। प्रश्न नंबर पाँच, इनको मिलान करें, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथः, चक्रवत परिवर्तन्ते सुखा दुखानि च सुखानि च दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालङ्कृतोऽपि सन् माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः। प्रश्न नंबर छः, शोभते सम्मानः धनस्य पिता ददाति, इनका वाक्य रचना करनी है, और इसको आपको आगे करके मैंने लिखा हुआ है। अब ट्रांसलेशन संस्कृत में अनुवाद करें, हमें मधुर बोलना चाहिए, हमें व्यायाम हो जाएगा क्योंकि अहम आवाम
वयम से लेकर के शुरू हो जाएगा हमें, वयम मधुरम वचनम बदेम, हलंत नहीं होगा इसमें, देख लीजिए। धन की तीसरी अवस्था क्या है, धनस्य तृतीया गति का अस्ति, या का, धनस्य तृतीया गति का अस्ति भी लिख सकते हैं आप। हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता, क्या लिखा है, हंसों के बहुवचन हंसा नाम मध्य बकह न शोभते, न शोभते। और विद्या कर्मशः पूरते, तो धीरे धीरे विद्या धीरे धीरे पूर्ण होती है, तो विद्या शनैः शनैः क्रमशः, शनैः शनैः हो या क्रमशः, जैसे घड़ा वैसे विद्या क्रमशः पूरते। मणि से आभूषित सर भयंकर होता है, तो मणिना भूषितः सर्पः भयंकरः भवति। हम कहाँ निवास करना, हमें कहाँ निवास करना चाहिए, वयम कुत्र वसेम, वयम कुत्र वसेम, दुष्ट को त्याग देना चाहिए, दुर्जनः परिहर्तव्यः। अब इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 6 बचा है, तो प्रश्न नंबर 6 का शब्दों का प्रयोग है ये, शोभते। आप प्रश्न नंबर 3 पर देखिएगा अपने इसके, तो ये होता है विद्याहीनः जनः न शोभते, सम्मानः प्रत्येकः जनः सम्मानः इच्छति, धनस्य तृतीस्रः गतयः भवन्ति, पिता सह पिता शत्रु येन बालो न पाठितः सह विद्या सह पिता शत्रु येन बालो न पाठितः। और फिर क्या है, ददाति शिक्षकः छात्रेभ्यः शिक्षां या विद्यां ददाति। इट्स ऑल, थैंक यू।